बलिया की बैरिया विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह गेहूं की सरकारी खरीद नहीं होने पर भड़क गए और मंडी समिति में ही धरने पर बैठ गए। दरअसल पिछले कई दिनों से रानीगंज उपमंडल समिति सोनबरसा में किसानों की गेहूं की सरकारी खरीद बंद थी, जिसकी जानकारी बीजेपी विधायक को हुई तो विधायक अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और मंडी परिसर में धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि क्रय केंद्र शुरू नहीं होने की वजह से किसान परेशान हैं और अधिकारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों से गेहूं की खरीद शुरू नहीं होगी उनका सत्याग्रह जारी रहेगा। तीन दिन से पीड़ित है, गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं का क्रय करने वाला कोई कर्मचारी अधिकारी बैठता ही नहीं। मैं जब यहाँ आया 11 बजे तो पता चला कि यहाँ वास्तव में कोई नहीं है। कल भी आप आए थे? कल भी मैं आया, तो मैं कल से ही उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया कि कल यदि 11 बजे तक कर्मचारी अधिकारी काम अपना प्रारंभ नहीं किए तो मैं कल जो है यहीं पर बैठ जाऊँगा और तब तक बैठे रहूँगा जब तक कि हमारा यहाँ क्रय चालू नहीं हो जाएगा। मेरी सरकार को बदनाम करने के लिए से कर्मचारी अधिकारी ये जान बूझ कर ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे किसानों के बीच में हमारी सरकार बदनाम हो, लेकिन मैं बदनाम नहीं होने दूंगा, आज का कार्य प्रारंभ करके उठूंगा। जानकारी के अनुसार 5 दिन पहले बिना किसी सूचना के क्रय केंद्र पर गेहूं की खरीदारी के लिए नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी क्रय केंद्र पर तालाबंदी कर गायब हो गए थे और तब से किसान गेहूं बेचने के लिए भटक रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलिया से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।